नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। बात करेंगे भैया डीएड स्पेशल एजुकेशन हेयरिंग इम्पेयरमेंट के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कंटेंट एंड मेथोलॉजी ऑफ टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स का पेपर, जो कि आज आपका हुआ। इसमें हम लोग छोटे क्वेश्चनों पर बात कर लेंगे। भारत में विज्ञान शिक्षा बहुत निकृष्ट यानी कि बहुत पुअर है, तो ऐसा नहीं है भैया, ठीक है। भारत में जो अपनी विज्ञान की शिक्षा है बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेटिव मेथड की, बात करता है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन की, बात करता है कि मूल्यमापन की रचनात्मक पद्धति विद्यार्थियों को निरंतर प्रतिपुष्टि और प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक देती है, तो भैया कहते हैं बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट भैया वार्षिक नियोजन यानी कि आपका एक साल का ईयरली प्लान जो है उसमें इकाई नियोजन होता है, तो ये भी भैया आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट भैया गणित और विज्ञान परस्पर संबंधित है, बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। और कह रहा है पांचवा, मुख्य पाठ्यक्रम में विज्ञान एक विषय के तौर पर सम्मिलित किया जाता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए गणित की प्रकृति है, तो कहेंगे भैया गणित के द्वारा बच्चा लॉजिक तर्क निकालता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा देखो सुनो और सीखो, देखो सुनो और सीखो यानी कि आपका प्रदर्शन विधि होगा, यहां पर भी आपका बी ऑप्शन सही होगा। यहां पर कह रहा है विज्ञान और गणित पढ़ाने का उद्देश्य, देखो भाई विज्ञान पढ़ाई जाती है, गणित पढ़ाई जाती है, यहां पर आप देखते हो लॉजिक निकाला गया यानी कि तर्क निकाला गया, तो यहाँ पर आपका तर्क वाला सही हो जाएगा, रीजनिंग आपकी सही हो जाएगी। सोचने की क्षमता का विकास भी होता है, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग भी होती है, यानी कि आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि आपका किस प्रकार के मूल्यमापन का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों का प्रमाणीकरण यानी कि सर्टिफिकेशन करना है, सर्टिफिकेट देना है। तो आप लोगों को जब योगात्मक मूल्यांकन पढ़ाया गया होगा तो कहा गया होगा ये मूल्यांकन जो है सत्र के लास्ट में होता है, और बच्चे के यहाँ पर चीज़ों को सुधारा नहीं जाता, यहाँ पर बच्चे को क्या दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें क्या होता है कि उसकी सारी उपलब्धियाँ लिखी होती हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, सबमिटिव एवल्यूशन कहलाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आज का आपका पेपर था जो कि बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे एक आपको गलती भी देखने को मिली, जिसने ये वाला क्वेश्चन किया होगा तो देखिए यहाँ पर गणित दिया है और यहाँ पर साइंस दिया है, इस क्वेश्चन में इरर था जिसको मैंने आपको बता दिया। भैया मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर पहली बार थे सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भैया स्पेशल एजुकेशन का भारत का नंबर वन चैनल बनाने के लिए, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी ने अपने इस एग्जाम ट्रिकी परिवार को इतना प्यार दिया, धन्यवाद दोस्तों।